इंडियन फेमस क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, इन्होंने भी आफरीदी के लिए कुछ गोल्डन वर्ड्स कहे थे, शाहिद आफरीदी हमारे लिए आग की तरह हैं। इसके बाद फिर हम इंडियन एक अच्छे और ज़बरदस्त क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमें कहते हैं शाहिद आफरीदी को लेकर कि एक ओवर में 6 छक्के लगाकर भी शाहिद आफरीदी जैसी शोहरत हासिल ना कर सका। Hello guys, this is Multan from Pakistani Reacts. Hi guys, this is me, Aksam Malik, once again on Pakistani React. आज हम रिएक्शन लेके आए हैं थोड़ा डिफरेंट। एक फेक पाकिस्तानी रिपोर्टर इंडिया में कुछ इंडियन से क्वेश्चन पूछ रहा है पाकिस्तान के रेलेवेंट, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस रिपोर्टर का और ये हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस के बारे में क्या क्या शेयर करता है, ये तो हमें वीडियो देख के ही पता चलेगा। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये थोड़ा सा क्रिकेट से रेलेवेंट है, बिकॉज हमें यहाँ पर रिपोर्टर की टी शर्ट बता रही है कि वो क्रिकेट से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस करेगा। लेकिन सो हम मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ, उससे पहले प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। हे गाइस, शुरू करते हैं फेक पाकिस्तानी रिपोर्टर इन इंडिया। 1 2 3 स्टार्ट। कराची से पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के रिश्तेदार सारे के सारे कोलकाता ईडन गार्डन्स में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए चांदे थे भाई। ये चलो बेगाना मुल्क ऐसे नहीं बोलते। ओह, ये बेगाना मुल्क लाइट नहीं ऑन है मोना भाई, पूरा पाकिस्तानी लग रहा है। सो वी बोथ प्लेड ट्राइड टू प्ले दिस प्रैंक on our Indian fans that you know we were playing a Pakistani journalist and a Pakistani cameraman and we convincingly pulled off our part. Shukriya bhai jaan, welcome to India. हम ही जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे वाले थे लोगों को कि यू नो इंडिया हार जाएगा पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे इंडिया के लोग काफी मैच्योर हैं, समझते हैं कि एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट की तरह है और पूरी तरह चाहते हैं कि इंडिया ऐसे होना चाहिए। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं सोचते, और ये सोचकर हमको भी बड़ी खुशी हुई। हमारा नाम खान है और हम पाक न्यूज से हैं। भाईजान, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब वर्ल्ड T20 में जो पहला मैच है भारत का, वो काफी बुरा प्रदर्शन रहा, शायद इंडिया का फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा। बड़ा बेगैरत इंसान है यार, बीच में से चल के जा रहे हैं, इन मुल्क वालों को ना तमीज नहीं है। उसके बाद ऐसे लग रहा है कि मानो पाकिस्तानी अटैक को झेल नहीं पाएगा भारत, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो जो है ना स्टार्टिंग में वो वार्म अप मैच था। देखिए, हार जीत तो एक खेल का हिस्सा है, स्टार्टिंग में अगर शेर पहले दहाड़ देगा तो थोड़ी ना होगा। बाकी आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो तो पाकिस्तान को तो इंडिया ने कभी नहीं छोड़ा। इंडियन फैन होने की वजह से हमेशा मैं ये चाहूंगा कि इंडिया जीते और आप पाकिस्तानी को आप चाहेंगे पाकिस्तान जीते, तो ये इज अ नेचुरल गेम है, हम इसको गेम की तरह देखते हैं और आगे भी गेम की तरह ही देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे आवाम ऐसे नहीं सोचती, अगर हार गए तो सीधा घर की खिड़कियाँ फोड़ देनी है, आग लगा देनी है, प्लेयरों को मार देना है, गालियाँ दे देनी है। पाकिस्तान तो कभी नहीं जीत सकता इंडिया के साथ, हर मैच में हर मैच में कितने भी मौके मिल जाए। और न्यूजीलैंड से आ रही है वो खुद की गलतियों की वजह से आ रही है, किसी में हार जीत तो होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगला मैच पाकिस्तान के साथ वो उतने ही जुनून के साथ खेलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसका सबसे बड़ा कड़ा मुकाबला होता है और वो मैच वो जीतेगी। देखो पछाड़ेगा जरूर, लेकिन फिर भी अगर गेम टक्कर का होता है तो दोनों देशों को बहुत अच्छा लगा। वैसे अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा दे तो सैटरडे को आपका क्या प्लान है, कहाँ जाकर आप आंसू बहाएंगे? नहीं देखिए, आप बोल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया को पछाड़ देगा और मैं बोल रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान को पछाड़ देगा, तो आपको रोना नहीं आएगा? देखिए, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता है, इंडिया को बीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। तो आप क्या गम में ऐसे शराब वराब पी लेंगे ठेके पे जाके? मतलब अगर पाकिस्तान अगर हार गए उसकी बात कर रहे हो? ये वाला काट दे। और अफरीदी भाईजान और मोहम्मद हफीज भाईजान ने काफी रन जड़ दिए हैं पहले मैच में, तो आपको नहीं लगता है कि ये वो मौका है जो पाकिस्तान तलाश कर रहा था? ये शाहिद भाई ना कभी कभी चलते हैं, 2-3 छक्के लगाते फिर चले जाते हैं। नौशाद, ये वाला रखना मत, ये जो है शाहिद भाई को काफी हर्ट हो जाएगा। एक वर्ल्ड कप बता दो ना जिसमें पाकिस्तान का फॉर्म नहीं था। ये काट देना तू भाईजान, ये काफी बेगैरत सी बात कर रहे हैं आप। ये हमारे अफरीदी भाईजान पे अभी वहाँ कोर्ट में केस हो गया है, वो कहते हैं उन्हें ज्यादा मोहब्बत भारत में मिली है, पाकिस्तान अवाम की मोहब्बत में काटने दौड़ रही है। पाकिस्तान इज अ नॉट बैड कंट्री एंड नॉट बैड क्रिकेटर, ऑलमोस्ट अ वेरी गुड क्रिकेटर, आई आल्सो लाइक अफरीदी। शाहिद अफरीदी तो मुझे भी बहुत पसंद है। अफरीदी भाईजान क्यों ऐसा बोलते हैं मीडिया में कि उन्हें ज्यादा मोहब्बत भारत की अवाम से मिल रही है ना कि पाकिस्तान की अवाम से? ऐसा क्या देखा है उन्होंने हिंदुस्तान में, मुझे नहीं समझ आ रहा, सब यहाँ पे उनकी इंसल्ट किए जा रहे हैं। आपको पसंद है शाहिद भाई? हाँ, शाहिद भाई तो वैसे पसंद है हमें और मोहब्बत तो हम हर टीम के प्लेयर्स को देते हैं, तो शाहिद भाई तो बूम बूम, लव शाहिद।
और पाकिस्तान जीत जाए सैटरडे को, तो क्या आप अपने गम आंसुओं में डुबाएंगे या किसी टेके पे बैठकर दारू पिएंगे? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये वाला भी काट देना। पसंद सबको है, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है। अगर वो गलत बोलेगा किसी के बारे में तो लोग उसे भी गलत बोलेंगे, गाली भी देंगे उसको। लेकिन अगर किसी चीज से वो मोहब्बत करेगा, इंडिया से मोहब्बत करेगा, तो इंडिया दुगनी मोहब्बत देगा उसको। ठीक है चलो, हम तो टीआरपी के भूखे हैं, हमें हमें हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम पछाड़ दे इंडिया को और हम यहाँ पे भारत में उस न्यूज को कवर करें। ये टीआरपी का खेल में ना आप लोगों को अलग दूर दूरियां पैदा कर, ये पॉइंट। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान के प्लेयर हार जाते हैं और वहाँ के लोग टीवी तोड़ रहे हैं, वो सब दिखाते हैं, हमको बुरा लगता है। जैसा भी आपने वीडियो में देखा, आप समझ ही गए होंगे कोई भी जहर नहीं है दोनों टीमों के बीच, और दोनों टीमें डटकर मुकाबला करके मैच बहुत अच्छी तरह खेले, हम भी यही चाहते हैं। जर्सी पे मत जाइए, ब्लीड ब्लू, गो इंडिया। देखा आपने कि आपको ये हमारी वीडियो सिलेक्शन बड़ी अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं। सबसे पहले मैं इस रिपोर्टर की बात करना चाहूँगा कि इसने बड़ा अच्छा पाकिस्तानी रोल प्ले किया है, तो हमारा बिल्कुल इसमें रियल भी इस तरह का बंदा है। मैं आपको भी इसको उस बंदे की फोटो दिखाता हूँ, कि पाकिस्तान में उसका नाम वजाहत है, महाल प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में चलता है वो करता है, और इसकी शक्ल उसके साथ बहुत ज़्यादा मिलती है। बोलने का स्टाइल तो थोड़ा डिफरेंट है मगर शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है, और ये बिल्कुल कॉपी कर रहा था सुरमा डुमा डाल के फुली ना वो। मगर एक चीज़ है कि ये जो पाकिस्तानी रिपोर्टर हैं, हाँ, इतनी वो नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करते जो पाकिस्तानी रिपोर्टर होते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ इसमें एक एक्ट था जो कि मून भाई बताएंगे, बजरंगी भाईजान जब मूवी बनी थी तो उसमें भी पाकिस्तान के एक एंकर का वो एक्ट जो है वो कॉपी हुआ था, और यहाँ पर भी इस वीडियो में वो कॉपी हुआ है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, उन्होंने किया था बजरंगी भाईजान में, कि वो ट्रेन का पीछे ट्रेन चल रही होती है, आगे से बंदे गुजर देते हैं तो फिर उनको गाली देता है। वो एक पाकिस्तानी बंदा था, रिपोर्टर था, न्यूज रिपोर्टर, उसका काफी फेमस हुआ था, वायरल हुआ था वो, तो उसको लिया गया था। बिल्कुल, ये मतलब दो जगह पे कॉपी हो चुका है, मतलब वो काफी फेमस था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान के मैच की, तो नो डाउट इट खड़के का बैर जो है पंजाबी की ये है बात, तो ये आ जाता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, और नो डाउट इंडो पाकिस्तान दोनों नेशनैलिटीज हैं, दोनों कौमें जो है इसको इस तरह से देखते हैं जैसे हम लोग एक जंग पे खड़े हुए हैं, जंग के महाज को लेके खड़े हुए हैं। लेकिन वो जीत हो इंडिया की हो या पाकिस्तान की, मैं फिर वही बात कहूँगी कि हम पीछे से तो एक ही थे, अब आके सेपरेट हो गए तो क्या हुआ, फिर भी हम एक दूसरे से ही मुकाबला करते हैं। बाकी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने का मजा बहुत ज्यादा आता है, जीते कोई भी टीम, पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते। डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में तो हम यही कहेंगे पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान जीते, इंडिया में हो तो इंडिया की बात करेंगे। बिल्कुल। मगर ये होता है कि मैच जबरदस्त होना चाहिए, और ये इंटरव्यू मैं आपको बताता चलूं कि इसकी डेट के हिसाब से ये जो तो हुई थी ना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिसमें पाकिस्तान ने विन किया था, तो उससे पहले आया था, तो अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा बिल्कुल। अब हम आपके साथ, क्योंकि शाहिद अफरीदी के बहुत सारे फैंस हैं तो उनके लिए कुछ बड़े और अजीम लोगों ने कुछ वर्ड्स कहे थे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम दोनों में बहुत बड़े फैन है शाहिद अफरीदी के, और पूरा पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा फैन है, क्योंकि वो बंदा बड़ा लकी और बहुत अच्छा बंदा है, और टैलेंट भी है उसमें, ऑलराउंडर, बड़ा ऑलराउंडर है, और बहुत सारे ऑलराउंडर ने, इंडियंस ने और वर्ल्ड के बड़े बड़े प्लेयरों ने उनके बारे में कुछ वर्ड बोले हैं जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, वो आपको हम बताते हैं। अगर आप एग्री करते हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना है, अगर कोई बात बुरी लगे तो कमेंट करना, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं शाहिद अफरीदी के जो वर्ड्स हैं। मुझे एक शाहिद अफरीदी और 10 लकड़ी के टुकड़े दे दें, मैं आपको एक वर्ल्ड कप जीत कर दे दूंगा, ये स्टीव वॉन ने डायलॉग्स कहे थे। बहुत बड़ी बात कही है स्टीव ने। क्रिस गिल ने कहा था अफरीदी के ओवर में 6 छक्के लगा सकता हूँ, मगर जब वो 10 लगाएगा तो क्राउड का रिस्पॉन्स देखने वाला होगा। थर्ड पे जो इंडियन फेमस क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, इन्होंने भी अफरीदी के लिए कुछ गोल्डन वर्ड्स कहे थे, शाहिद अफरीदी हमारे लिए आग की तरह हैं। इसके बाद फिर हम इंडियन एक अच्छे और ज़बरदस्त क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमें कहते हैं शाहिद अफरीदी को लेकर कि एक ओवर में 6 छक्के लगाकर भी शाहिद अफरीदी जैसी शोहरत हासिल ना कर सका, मतलब उन्होंने काफ़ी कोशिश ज़रूर की लेकिन फिर भी शाहिद अफरीदी जैसी शोहरत इन्हें नहीं मिल सकी। माइकल होल्डिंग कहते हैं क्रिकेट शाहिद अफरीदी के बगैर क्रिकेट नहीं है, और नो डाउट ऐसा ही है। शेनवान कहते हैं कि मेरे बच्चे लीग स्पिनर नहीं अफरीदी की तरह खतरनाक ऑलराउंडर बनना चाहते हैं, और नो डाउट ऑलराउंडर बनना बहुत बड़ी बात है, और शाहिद अफरीदी जो है वो ऑलराउंडर हैं। शाहिद अफरीदी ने अपना फर्स्ट डेब्यू जो दिया था वो 22 अक्टूबर 1998 में दिया था,
और ये तब था ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस था इनका फर्स्ट डेब्यू. और अगर हम बात करते हैं फर्दर, आपको डिटेल्स जो है वो मून भाई देंगे शाहिद अफरीदी के बारे में, बिकॉज ये बहुत उनके बड़े फैन हैं. शाहिद अफरीदी आपको पता ही है बूम बूम के नाम से मशहूर थे, मगर यहाँ पे पाकिस्तान में इनको लाला कहा जाता है. लाला का मतलब होता है बड़ा भाई, यानी कि ये सब जो भी टीम के मेंबर होते हैं या टीम के प्लेयर होते हैं वो सारे इनको लाला कहते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट में कहते हैं बड़े भाई. तो इनके बहुत सारे हैं रिकॉर्ड, जैसे कि इन्होंने 37 बॉल में एक सेंचुरी बनाई थी, इनका वो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था काफ़ी देर रहा. और इन्होंने 92 मैचेस खेले और 92 आउट किए, ये भी इनका अच्छा रिकॉर्ड है. तो इनके बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़्यादा लकी हैं. अभी हम मैं रात ही मैच देख रहा था, इसमें मैं जो हो रहा है PSL हो रहा है, उसमें जो लकी टीम होती है जिसमें शाहिद अफरीदी होते हैं वो यानी कि लकी जा रही होती है, वो डेफिनेटली जीतेगा इस बार. वो पहले तो पेशावर जर्मनी की तरफ से खेल रहे थे पिछले साल, तो इस दफ़ा वो खेल रहे हैं कराची की तरफ से. तो डेफिनेटली हमारी दुआएं यही है कि कराची जीते, क्योंकि इसमें शाहिद अफरीदी है. तो शाहिद अफरीदी अगर हो किसी भी टूर्नामेंट में किसी भी मैच में तो सारा पाकिस्तान उसको देखता है, अगर वो नहीं है तो बहुत ज्यादा व्यूवर्स कम हो जाते हैं. बेसिकली वैसे भी क्रिकेट जो है वो प्लानिंग के ऊपर काफी बेस कर रही होती है, जैसे प्लानिंग होती है फिर उसके ऊपर एक्ट वैसा होता है. लेकिन इसमें बहुत सारी जगहों पे आके ऑन द स्पॉट आपको अपना रिएक्शन देना होता है, और शाहिद अफरीदी ऑलराउंडर है, वो बेसिकली वो अपना ऑन द स्पॉट एक्ट शो करते हैं और देन फिर वो उसका उनके लिए जो है वो पॉजिटिव होता है. PSL में उन्होंने लास्ट मैच में कैच पकड़ा था शाहिद अफरीदी ने, बड़ा जबरदस्त कैच था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. Straight, has he got enough? I don't think he has, or has he? Oh, he's taking a blinder! One-hander! Throws it back! You don't see better! That is sensational! तो आप बताना कैसा कैच था. तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई. तो उम्मीद करते हैं अगर आपको जो क्रिकेट फैन है वो इस वीडियो को लाइक करेंगे जरूर और कमेंट भी करेंगे. तो हमारे RID रिएक्शन जो आ रहे हैं ऊपर नीचे वो देखना ना भूलिएगा. इसी तरह हमारे दोनों चैनल आपको नीचे नजर आ रहे होंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा फेसबुक पेज लिंक भी मिलेगा, उसे भी फॉलो करना मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक लिए इजाजत दें. टिल देन, बाय बाय.